Good morning class 5th. Today I am going to teach you exercise 16.1. बच्चों question number 4 तक मैंने बोला था कि आप लोग complete कर लीजिएगा. Question number 1st से word problem देखिए. तो question है, the length of a rectangle is 12 cm. Its breadth is 60 mm. Find its area of square millimeter. तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको देखिए कितना रेक्टेंगल कितना दे रखा सेंटीमीटर में दे रखा, या तो आप इसको सेंटीमीटर को चेंज करिए और फिर पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ एमएम. तो सबसे पहले सेंटीमीटर को क्या करेंगे मिलीमीटर में चेंज करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 मिलीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120 मिलीमीटर हो जाएगा. तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को जब चेंज किया तो क्या आ गया आपका, 120 मिलीमीटर आ गया. ठीक है, सेम आपका इसी तरीके से ब्रेथ निकालेंगे. तो ब्रेथ इज इक्वल टू ऑल्सो गिवेन है आपका 60 mm. ठीक है, देन इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. बस तो 120 हमने इसका निकाला था, देन 60. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7200 स्क्वायर मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पिक्चर ऑफ ए फ्रेम आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्रेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि पिक्चर ऑफ द फ्रेम लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड ब्रेथ कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर. अब देखिए इसमें चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो बस आप निकाल दीजिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 80 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन और भी करने हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th बताया है, 8th वाले में आपको देखिए लेंथ दे रखी, ब्रेथ दे रखी, तो सेम आपको इसी तरीके से करने होंगे. ठीक है, अब इसमें आपको बताने हैं इसमें लेंथ कौन सा, इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया फॉलोइंग फिगर. ठीक है, तो सभी में एरिया आपको बताना है. ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट घर में करेंगे, जो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.